तो दोस्तों आप थंबनेल देखे क्लिक ही किए तो आप एक बार सुन भी लीजिए कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। तो गाइस इस टूल के मदद से आप वॉइस ओवर करना चाहते हो वो कर सकते हो, वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, फिर आप टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करना चाहते हो वो कर सकते हो, फिर आप रैप लिखना चाहते हो आप रैप लिख सकते हो। उस रैप का अंदर म्यूजिक भी ऐड करके देगा, वॉइस भी ऐड करके देगा, उसका अंदर कुछ नहीं, आपको सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है, आपको टेक्स्ट के हिसाब से आपको रैप लिख देगा सिंपल में सिंपल तरीके से इस टूल में। तो आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो टूल कौन सा और किस तरह से यूज़ करते हो तो आप थंबनेल देख के समझ ही गएंगे किस टूल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो गाइस फिर भी आपको एक बार जान लीजिए इस टूल का नाम, इस टूल का नाम है Wordr.ai। इस टूल के मदद से सब कुछ आसान में वन क्लिक में जनरेट कर सकते हो। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो इस टूल के बारे में तो ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर एंड तक देखना। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए बिना टाइम गए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, आने बाद आपके पास जो भी ब्राउजर है सिंपल में इस ब्राउजर को ओपन कीजिए। देख सकते हो गाइस मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउजर ओपन करने में सर्च बार में Wordr.ai टाइप करके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद देख सकते हो गाइस फर्स्ट आपको दूसरा टूल आपको नजर आएगा, लेकिन आपको ये टूल नहीं चाहिए, ये टूल पर क्लिक मत कीजिए। तो आने बाद ऐसा नीचे आइए, आने बाद देख सकते हो गाइस आपको इधर टूल पर देख सकते हो, वेबसाइट का नाम देख सकते हो, वेबसाइट का URL देख सकते हो, वेबसाइट का प्रोफाइल भी देख सकते हो। होने बाद सिंपल में इस टूल पे क्लिक कीजिए। इस टूल पे क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप मोड ऑन नहीं किया तो डेस्कटॉप साइड ऑन कर लीजिए। तो देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप साइड ऑन है ऑलरेडी। आने के बाद देख सकते हैं ऐसे ही आ जाए नीचे, आने के बाद इस टूल में क्या क्या आप कर सकते हो सब आपको इधर देखने मिलेगा। देख सकते हैं आप इधर ऐसे नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद देख सकते हैं ये आर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नीचे आइए, आने के बाद देख सकते हैं आप इस टूल के मदद से आप टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट कर सकते हो, फिर आप एक्सेस ले सकते हो वॉइस का, फिर होने के बाद आप वॉइस क्लोनिंग कर सकते हो, फिर वॉइस ओवरऑल कर सकते हो। सो सिंपल में बहुत कुछ ऑप्शन है तो आप ये वन बाय वन यूज़ कर सकते हो। तो गाइस चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे किस तरह से ये टूल को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। सिंपल में मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया, देख सकते हो इधर आपको मेरा लॉगिन ऑलरेडी आपको दिखता रहेगा। तो सिंपल में देख सकते हो मैं ऑलरेडी इधर लॉगिन कर लिया, तो आप लॉगिन कर लीजिए जीमेल आईडी से। लॉगिन करने के बाद देख सकते हो आपको इस तरह से होम पेज आपको देखने मिलेगा। तो गाइस आप इधर म्यूजिक देखने मिलेगा, आप इस कॉपीराइट म्यूजिक को आप ले भी सकते हो, लेकिन आप इस म्यूजिक का हेल्प लेकर आप सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं गाइस फॉर एग्जांपल आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को ये म्यूजिक पसंद है, तो सिंपल में उस म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ। म्यूजिक पे क्लिक करने में देख सकते हैं इधर आपको शो होता रहेगा, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में आप उस सॉन्ग उस म्यूजिक पे कौन सा सॉन्ग आप लिखना चाहते हो या आप क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल में उस स्क्रिप्ट को इधर ऐड कीजिए। तो आपके हिसाब से जो भी स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो चलिए मैं एक स्क्रिप्ट उठा के आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसलिए मैं कॉपी कर लिया, ऑलरेडी पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके हिसाब से जो भी आप इधर पेस्ट करना चाहे सिंपल में पेस्ट कीजिए। होने में देख सकते हो जनरेट लिरिक्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देख सकते हो उस ऑप्शन पर क्लिक करने में आप जो भी सॉन्ग लिखे हो उस सॉन्ग को किसका वॉइस ऐड करना चाहते हो, इधर वॉइस आपको AI का वॉइस देखने मिलेगा। जो भी वॉइस आपको पसंद आएगा वो वॉइस सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वॉइस सेलेक्ट करता हूँ। ये वॉइस सेलेक्ट करके सिंपल में देख सकते हो इधर ऑप्शन शो होता रहेगा, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हो आप जो भी रैप क्रिएट किए हो, आप लिरिक्स लिखे हो, फिर आपको वॉइस ओवर देख सकते हो, आप एक बार प्ले करके सुनना चाहते हो सिंपल में प्ले करके सुन सकते हो। सिंपल में मैं प्ले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप रैप लिख सकते हो, आपका जो भी रैप है कुछ नहीं, आप लिरिक्स ऐड कीजिए। लिरिक्स ऐड किया तो आपको वॉइस भी खुद देगा, फिर आपको नया वॉइस आपका ही वॉइस ऐड करना चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। देख सकते हो गाइस आपको वॉइस चेंज करना चाहिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, फिर आपको लिरिक्स चेंज करना चाहिए तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। किस हिसाब से आप वॉइस चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। देख सकते हो तीन ऑप्शन में आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए बैक आता हूँ मैं। बैक आने के बाद देख सकते हो गाइस आपके पास कोई भी पर्टिकुलर वॉइस है तो सिंपल में आप इधर से आपको वॉइस ले सकते हो। सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका वो जो भी आपका
मन चाहे वॉइस आप सिंपल में आपके डिवाइस में का वॉइस ले सकते हो, चाहे तो फिर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आपका वॉइस इधर ही, तो सिंपल में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो होने बाद देख सकते इधर आपको देखने मिले टेक्स्ट टू स्पीच। सिंपल में टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कीजिए। टेक्स्ट टू स्पीच पे ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सिंपल में आपको जो भी वॉइस सेलेक्ट करना चाहते हो सिंपल में वॉइस सेलेक्ट कीजिए। इधर इतना सारा ऑप्शन देखने मिले, सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी वॉइस लेना चाहते हो सिंपल में वॉइस लीजिए। होने बाद देख सकते हो इधर आपको ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो अलग अलग आपको इधर ऑप्शन देखने मिले तो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने ए वाला वॉइस सेलेक्ट करता हूँ, तो सिंपल में ए वाला वॉइस पर क्लिक करता हूँ। ए वाला वॉइस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट है सिंपल में आपका टेक्स्ट को इधर पेस्ट कीजिए। तो सिंपल में मेरे पास टेक्स्ट है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट तो मैं टेक्स्ट ऐड करने में सिंपल में कुछ नहीं, जनरेट योर स्पीच, तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैं स्क्रिप्ट दिया हूँ, उस स्क्रिप्ट को एक वॉइस जनरेट करके दिया, तो मैं एक क्लिक करके आपको Mary, Tarek, Prem, Carney, I'm a skill. The love so mean you may will not hold pay. Eat lots of it, lad, kiki, you carney, high night. तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से जनरेट करके आया। आने के बाद इसको डाउनलोड करना चाहते हो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो होने बाद देख सकते हो गाइस आपके हिसाब से डाउनलोड कीजिए। होने बाद देख सकते हो गाइस आप वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो, फिर आपको रैप क्रिएट करना चाहते हो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। होने बाद देख सकते हो गाइस आप इधर से वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हो इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल में देख सकते हो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सिंपल में फ्री का यूज कीजिए। तो सिंपल में आप वॉइस चेंज करना चाहते हो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वॉइस फिर से चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। तो गाइस आप फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन कीजिए, लॉग इन करके यूज कीजिए, फ्री का है फिलहाल के लिए, आने वाला समय में क्या पता प्रीमियम भी हो सकता है। तो वॉइस तो इधर से डाउनलोड कर सकते हो आपको, लेकिन आपको वीडियो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो देख सकते हो इधर ऑप्शन शो होता रहेगा, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। होने बाद आप उधर से भी कर सकते हो, या इधर तीन डॉट शो होता रहेगा, सिंपल में तीन डॉट पर क्लिक करके देख सकते हो गाइस इधर आपको डाउनलोड ऑप्शन शो होता रहेगा, सिंपल में डाउनलोड करना चाहते हो इधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए फ्री है ये टूल, तो यूज़ कीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। आप सोशल मीडिया में आप भी क्रिएट कर सकते हो, प्लस आप सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो। आप इस टूल पे किस तरह से यूज़ करना चाहते हो आपके सब फ्रेंड। तो फिलहाल के लिए इस टूल के लिए इतना ही, इस टूल में और बहुत कुछ जानकारी है लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि uber.ai टूल के बारे में पूरा जानकारी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप वॉइस चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट कर सकते हो, किस तरह से आप रैप लिख सकते हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस आशा करता हूँ इस टूल के बारे में पूरा जानकारी पता चल गया होगा। तो पता चला तो पैरा से एक लाइक कर सकते हो, फिर ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस इस टूल के लिए कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया इस वीडियो में आपको इस टूल के बारे में, तो नीचे जाकर पैरा से कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस टूल के लिए इतना ही, इस टूल में और बहुत कुछ जानकारी, फिलहाल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।